now. 1122? जी सर. इस तरह कर जी कुछ चंगा जहा वड्डा मुजरम वीआईपी मुजरम वड्डा जहा मुजरम लेके आई हां जिन्हें चंगे कोई तड़पा पाए हो ठीक है सर उन काट के लिया. यस सर. ठीक है. सिट काट दे जो वाट सर ऐ मुझे ने सर जी सब तो बड़ा मुझे है जी 420 कैदी नंबर. अच्छा है 420. अच्छा गल सुनो मेरी. तेन पता है नवा जेलर आया. अच्छा जी. सही है. और इंशाल्लाह सहूलत फराहम कर रहे हैं नाश्ते दे विच तुहानू रोटी चाह नहीं दुध पत्ती ते पराठा मिलेगा दिने दाल नहीं वीआईपी मुर्गा ते बकरा चलेगा शाम नू भी वाइट कढ़ाइयां ते अच्छे अच्छे चाइनीज खाने. बहुत बहुत शुक्रिया सर जी. सही है. ते तू जरा मैनू अपने जुर्म दस ते की कीते ने तू जी. वो मेरा जुर्म जरा बहुत ज्यादा संजीदा है और थोड़ा सा बड़ा भी कह सकते हैं. हुआ ये कि मैं एक रात सो रही थी तो सोते मैंने अपने बराबर में देखा मेरा शौहर वहां मौजूद नहीं था. फिर मैं उसे ढूंढने अपने कमरे से बाहर निकली. जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वो किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ और उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे. उसको किसी और लड़की के साथ देखकर मुझे इतना शदीद गुस्सा आया मेरा दिल किया कि मैं उसे कत्ल कर दूं और फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई. पिस्तौल चक्के होने तो तू गोली मार देती होगी. नहीं 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 ऐसा नहीं था. मुझे उस वक्त नींद बहुत आ रही थी मैं सो गई. तो जुर्म तो सही पड़े जुर्म की. अच्छा ना कहानी आगे तो सुनो. फिर मैं सुबह उठी. फिर 12:30 बज रहे थे सुबह के. मैं 12 बजे तक कोई मसला किया होना जेड़ा केस पे है. नहीं नहीं फिर नहीं हुआ. मैं उठी 12:30 बज रहे थे. फिर मेरा शौहर मेरे साथ मौजूद नहीं था. मैं बाहर बागीचे में गई देखा तो मेरा शौहर उसके साथ टहल रहा था. दूसरे दिन फिर सर जी. हाँ जी. फिर मेरा दिल किया कि मैं कुल्हाड़ी उठाऊं और उसे कत्ल कर दूं. काटी तक कत्ल फिर. मैंने कुल्हाड़ी उठाई. उनका सर काटी तो हो गया. नहीं 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 उन दिनों ना गैस नहीं आ रही थी. मैंने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटी और घर आके ना उसको चाय बना के पी. ओ जी तुम्हारा जुर्म की है जुर्म. हाँ जी वही बता रही हूँ ना. फिर एक रात फिर उसी रात मैंने घड़ी देखी. घड़ी तो 12:30 बज रहे हैं. नहीं 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 उस वक्त 12:30 नहीं बज रहे थे. उस वक्त 1 बज रहा था. हाँ तो मैंने घड़ी देखी 1 बज रहा था. अच्छा? मेरा शौहर फिर मौजूद नहीं था. फिर मैं जरा बाहर निकली तो वो उसके साथ फिल्म देखने जा रहा था. अच्छा. हाँ वो फिल्म मैंने पहले से देखी थी. वो फिल्म मुझे पसंद नहीं आई. हाँ मैंने उस दिन भी नहीं मैं उस दिन भी जाके सो गई थी क्योंकि वो फिल्म मेरी पसंद की नहीं थी ना. और फिर मैं सो गई. अगली सुबह जब मैं उठी तो फिर 12 बज रहे थे सुबह के. सुबह 12 बजे कोई नुकसान हो जाना तेरे को. नहीं 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 वो मेरा ना मेरा शौक मेरे पैर दबा रहा था. तो मैंने पूछा क्या हुआ क्यों रो रहे हो क्या मसला क्या है. तो उसने मुझे बताया कि उसको स्कूटी चाहिए. हाँ स्कूटी. उसने मुझसे कहा कि उसको स्कूटी चाहिए. मैंने फिर क्या किया उसको स्कूटी लेके दे. अच्छा. हाँ और बदकिस्मती से हुआ ये कि वो उसी स्कूटी में उस लड़की को बिठा के उसके साथ निकल गए. वो स्कूटी मैंने उसको चोरी करके दी थी तो उसी चोरी के केस में मैं यहाँ हूँ. उल्टा चुर्मी ले आया.